नमस्कार, मेरा नाम सालू मिश्रा। जनपद बहराई से बड़ी खबर। इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिला कार्यालय में नानपारा में हुआ ध्वजारोहण। बहराइच नानपारा इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिला कार्यालय मोहम्मद पटेल नगर नानपारा में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री विवेक शुक्ला अब्दुल नासिर जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया और समस्त पदाधिकारी इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन कार्यालय पर उपस्थित रहे, जिसमें पत्रकार एकता पर भी चर्चा की गई। वहीं प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश विवेक शुक्ला ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन युग वैभव समाचार पत्र की ओर से समस्त देशवासियों, पत्रकारों, साथियों, अधिकारियों को बधाई दी। वहीं विवेक शुक्ला ने बताया कि हम सभी पत्रकार एक हैं और एक होकर कार्य करेंगे। पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं जिला अध्यक्ष अब्दुल नासिर ने बताया कि बहुत जल्द हम एसपी से मिलकर ज्ञापन देंगे और पत्रकारों को उनका हम हक मिलना चाहिए। वहीं वशिष्ठ सचिव रवि गुप्ता ने पत्रकार एकता पर जोर दिया। वही श्याम वर्मा पोरवाल प्रदेश मीडिया प्रभारी जिला सह संयोजक सुशील शर्मा ने बताया कि समस्त पत्रकार एक हैं, जरूरत पड़ने पर साथ रहेंगे। वही इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन से प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, तहसील ब्लॉक पदाधिकारी मौजूद रहे। वही कार्यक्रम में उनका स्वागत किया गया। खास रिपोर्ट सालू मिश्रा, भारत न्यूज चैनल। को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 26 जनवरी किस लिए मनाई जाती है? 26 जनवरी आज हमारे देश के अपना 75वां गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। 75वें गणतंत्र दिवस के मायने देश के विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। 26 जनवरी वो तारीख है जिसे भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान लागू हुआ था और इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के आज कार्यालय पर बहराइच कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिससे जो पत्रकारों क्षेत्र में पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है उस पर कई बार चर्चा की जाएगी और आगे अधिकारियों से अवगत कराया जाएगा कि जो है पत्रकारों का उत्पीड़न ना हो। और अधिकारियों के बारे में क्या कहेंगे? नानपारा के जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, पुलिस पर कैसे? नानपारा पुलिस प्रशासन पत्रकारों का सहयोग बिल्कुल नहीं करती है। वो बस मौका ढूंढती है पत्रकारों के लिए, हमेशा यही सोचती है कि कब पत्रकारों के खिलाफ प्रार्थना पत्र पड़े और हम कब कार्रवाई करें। और जो खबर यहाँ की जनता तो दबी कुचली है, उसको समाज में दबाया जाता है, उसको ना ही कोई जागरूक होता है ना ही कुछ, बस वो उनसे सिर्फ जो है डांट के और धमका के काम लिए जाते हैं और कुछ नहीं। अगर सर, मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जो नानपारा की साफ सफाई के बारे में, उसके बारे में कुछ बताइए। साफ सफाई के बारे में क्या, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो आदेश कर देते हैं, लेकिन जो अधिकारी नौकरी पेशा है, सरकारी अधिकारी जो फीस लेते हैं, वो काम पर जल्दी नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए कुछ ऐसे महल हैं जहाँ पर ज्यादा गंदगी दिखाई दे रही है। तो आप ये शासन तक अपनी आवाज पहुँचाना चाहती होगी जिनके पास, कि नानपारा का सुधार हो और पुलिस प्रशासन को सही ढंग से काम करने का निशान मिले? हाँ, इसके लिए जरूर से जरूर हमारा पूरा संगठन जो है वो जाएगा, इसके लिए बात करेगा, क्योंकि नानपारा में सुधार होना चाहिए और नानपारा को जिला बनाने की उपस्थिति है। नानपारा को जिला बनाना चाहिए क्योंकि इससे हमारे बगल में श्रावस्ती भिंगा है, वो जिला हो सकता है तो क्या नानपारा नहीं हो सकता है? मतलब आपकी पूरी टीम की तरह से ये नानपारा जिला बनाने की हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों की कई साल से मांग चल रही है। हमारा संगठन जो है इसके लिए खड़ा हुआ है कि जो नानपारा के दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज लेकर ऊपर शासन प्रशासन तक पहुँचाई जाए।